ऐसी रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा बैलेंस लेवल में लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा आपको फायदेमंद रहेगी। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा प्याज लहसुन खाते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता उनसे। वो लोग खाते हैं फिर कोई रिजल्ट नहीं देखते या फिर बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको खाने का तरीका नहीं पता होता है कि कैसे खाना है, कब खाना है। और अगर पता भी होता है तो वो ज़्यादा दिन तक ट्राई नहीं करते, मतलब अलग अलग तरीके से खाते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप खाएंगे प्याज और लहसुन को, इन्जॉय भी करेंगे अपने खाने के साथ और वो आपकी बॉडी में फ़ायदा भी करेगा। तो आज हम एक थोड़ा सा हट के तरीके से खाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह खाली पेट खा लेते हैं लहसुन को या प्याज को, जिससे क्या होता है उनको एसिडिटी या हार्ट बर्न, सीने में जलन जैसी दिक्कतों को देखने पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्याज लहसुन को कैसे खाना है। तो सबसे पहले हम चार इंग्रेडिएंट लेंगे हमारी रसोई से। पहला तो लहसुन है जो आपको पता है, दूसरा प्याज है जो भी आपको पता है, जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है हमारी काली मिर्च, जी आपकी रसोई में काली मिर्च होगी, ब्लैक पेपर वो, और चौथा जो है नींबू। ठीक, अगर आपके पास नींबू अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मार्केट से ले सकते हो, और अगर बाय चांस नहीं है, नहीं मिल पा रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बाकी ये चार चीज़ें आपको लेनी है। खाना कब है, आपको इसको लंच के टाइम पे खाना है। तो कैसे बनाना है, हमें सबसे पहले लहसुन लेना है, लहसुन को छीलना है, उसको छोटे छोटे पीसों में कट कर लेना है। कितने, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ले लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लहसुन नहीं खा सकते, वो थोड़ा सा आपको टेस्ट भी ख़राब कर देगा आपका, और थोड़ा हमें बैलेंस क्वांटिटी में ही लेना है। तो हमें लहसुन की 4 से 5 कलियाँ लेनी है, उनको छील के छोटा छोटा काट लेना है। तो लहसुन के अंदर क्या होता है कि एलिन नाम का कंपोनेंट होता है जो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद एलिसिन में कन्वर्ट होता है। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, लहसुन को तुरंत छीला और खा ले, जिससे क्या होता है वो एलिन जो है एलिसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और वो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए जो लहसुन के बेनिफिट होने चाहिए वो हमको पूरा नहीं दे पाते। तो इसलिए हम काफ़ी टाइम होता है लहसुन खाते रहते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जब हम ये बनाएंगे तो उसके लिए 10 मिनट पहले हमें लहसुन को छील के काट के रख देना है अलग एयर में, ताकि वो एलिन एलिसिन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब हमने 10 मिनट रखने के बाद लहसुन ले लिया। अब हमने एक प्याज लेना है मीडियम साइज का, उसको काट लेना जिस तरह से आपको पसंद हो, छोटा बड़ा या सर्कल्स में, जैसे भी आपको प्याज काटना प्याज काट लेना है। उसके बाद काली मिर्च, बस चुटकी भर हमें काली मिर्च लेनी है, चुटकी भर काली मिर्च लेनी है, और प्याज लहसुन के ऊपर हमको डाल देनी है, और नींबू, नींबू का रस आपको छोटी सी चम्मच, जो छोटी सी टी स्पून होती है वो, या फिर अगर आपके पास बड़ी चम्मच है तो आधी, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आधा चम्मच आपको नींबू का रस लेना है, और इसके दिन सबको अच्छे से मिक्स करना है। और लंच टाइम में जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ ही साथ इस सैलेड को या जो भी आप इसको बोलो, आपको इसको खाने के साथ साथ खाना है, ताकि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाए। उसके साथ जब हम ये खाएंगे ना, तो हमारे बॉडी में जाकर खाने के साथ मिलकर जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए, इनका ब्रेक डाउन होना, वो सब प्रोसेस जो है वो हमारे बॉडी के अंदर करेगा, जिससे आप 1 महीने के अंदर थोड़ा आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल जितना बड़ा था अब उससे थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है या लेवल में आ गया है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, होम रेमेडी है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो आप अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आज से ही ये मेडिसिन आप ट्राई कीजिए। और वो लोग जिनको जस्ट अभी अभी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई, तो अगर वो लोग ये मेडिसिन, ये रेमेडी ट्राई करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा इमीडिएटली 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। तो आप लोग इस मेडिसिन को ट्राई कीजिएगा।